हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं अभिनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो आज का वीडियो अगेन एक फुटवेयर हॉल है। कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट का कुछ सेल चल रहा था, वैसे तो इनका हरदम सेल चलता रहता है, तो उसी दौरान मैंने ये 3 फुटवेयर्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं हील्स इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे बेबी को लेके जाना पड़ता है, तो मैं हील्स तो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम से मैंने छोड़ दिया है पहनना, इसलिए मैंने ओनली फ्लैट्स लिए। यहाँ पे 2 फ्लैट मतलब सैंडल टाइप फ्लैट्स लिए हैं एंड अनदर वन जो ग्लैडिएटर बोलते हैं तो वो मैंने लिया है, और एक तो टोटल मैंने 3 फुटवेयर्स लिए हैं एंड आज मैं वो तीनों को आपको दिखाने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है एंड साइड में जो बेल का बटन है उसे पक्का से जाके हिट कर देना है, ताकि मेरे दूसरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो पहला सैंडल है, फ्लैट है, ये है फ्रॉम द ब्रांड जेड। इसमें मेरा साइज है 39, जो कि मतलब इंडिया का, सॉरी 40 साइज है एंड इंडिया में मेरा साइज मतलब इंडिया चार्ट के हिसाब से मेरा साइज 6 है। साइज चार्ट वगैरह सब वहाँ पे मेंशन रहता है, तो आप साइज चार्ट को देख के ही ऑर्डर करें, वरना अगर आप अपना इंडिया का साइज जानते हैं तो वहाँ पे मेंशन है कि यूके साइज क्या है, इंडिया साइज क्या है, तो आप उसे देख के परचेस करें। तो इसमें मेरा ब्लैक कलर लिया है एंड क्वांटिटी 1 पेयर है, टाइप लेडीज कुर्ती है एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट में यहाँ पे है लिखा है जून 2019। इसमें इसका MRP 655 लिखा है, बट मैंने इसके लिए 300 समथिंग पे किया है। मैं मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है एंड डिस्काउंटेड प्राइस क्या है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है कहाँ पे, तो अगर आप मेरे टाइटल को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक बड़ा पेज सा खुल जाएगा, तो वहाँ पे मेरा मैंने क्या क्या प्रोडक्ट लिया है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा एंड बाकी सबका डिटेल्स एंड मेरे और किसी वीडियो का अगर आप लिंक मतलब देखना चाहते हैं तो मैं वो सबका लिंक भी नीचे दे दूँगी, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस सैंडल को निकाल लेते हैं, फ्लैग को। तो ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है एंड मैंने टोटल 3 जो पेयर किए थे, एक पहले से मतलब मुझे डिलीवर हो गया था एंड ये दोनों एक कल आया है एंड एक आज आया है। तो ये दोनों कुछ इस तरह की दिखती है, एज यू कैन सी यहाँ पे इसका ब्रांड का नेम मेंशन है। कुछ ज़्यादा फैंसी टाइप का नहीं है, बस डेली यूज़ के लिए है एंड ये फ्लैट चप्पल्स हैं जो कि आपके एंड इसका मटेरियल है सिंथेटिक एंड इसका सोल भी काफ़ी अच्छा सोल दिया है, काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा एंड बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही लाइट वेट है, तो आपको मतलब ऐसा कुछ पैर में कुछ हैवी सा नहीं लगेगा एंड इसका मतलब हील भी ज़्यादा नहीं है, बस 0.25 इंच का है। क्वालिटी की बात करें तो ये दोनों मतलब ये सैंडल्स बहुत ही सॉफ्ट टाइप का है एंड पैरों को आपको थोड़ा भी ये इरिटेट नहीं करेगा, बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसको पहन के बहुत मतलब चलना वलना सब कुछ कर सकते हैं एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल सा कुछ गोल्डन टाइप का ऐसे मतलब जैसे डायमंड स्क्वायर टाइप का कुछ स्टडेड है गोल्डन टाइप का, जो कि ब्लैक एंड गोल्डन का बहुत ही एक क्लासी लुक दे। तो ये दोनों कुछ इस तरह की दिखती है, इसका 5 या 6 कलर्स अवेलेबल है, आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसको परचेज कर सकते हैं एंड ओवरऑली मुझे ये तो चप्पल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मतलब सिंपल है, सोबर है एंड आप इसको किसी भी मतलब जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं, कुर्ती वगैरह के साथ पेयर कर सकते हैं एंड हर कोई आउटफिट में आप इसको पेयर। तो नेक्स्ट फ्लैट को देख लेते हैं, जो मेरा वो कुछ इस तरह का दिखता है एंड इसमें कोई ब्रांड वन मुझे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा खाली आया है। सो एंड
एंड यहाँ पे इसका जो ब्रांड का नाम बीके ड्रीम लिखा है एंड इस पे मेरा साइज 39 है, उसमें मेरा साइज 40 था। तो आप साइज चार्ट देख के मतलब ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है साइज चार्ट वगैरह, तो आपको आपको अच्छे से देख के या फिर आप मेजर करके भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका भी मटेरियल सिंथेटिक है एंड इसका सोल भी बहुत ही अच्छा है एंड उसका वो वाला फ्लैट का जैसा सोल था उसी तरीके का ही है एंड सोल भी काफ़ी सॉफ्ट है, आपके पैरों को थोड़ा भी मतलब हार्ड टाइप का नहीं लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट है। बट मैंने फोटो में जैसा देखा था उस तरीके का नहीं है, मतलब इसमें भी 3-4 कलर्स अवेलेबल थे, तो मैंने वो वाला ब्लैक में ऑर्डर किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने ये येलो वाला ट्राई करने का सोचा। फोटो में ये इतना वाइब्रेंट लग रहा था एंड जब मैंने इसे देखा तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका कलर आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैमरा में ऐसा दिख रहा है, बट अगर आप रियल में देखेंगे थोड़ा डल काइंड ऑफ लग रहा है। तो मैं इसका फोटो जो है मतलब वेबसाइट में जैसे दिखा रहा है वो यहाँ पे साइड में डाल दूंगी एंड इसका जो ओरिजिनल फोटो है मैं बिना ग्लास के लेके आपको यहाँ साइड में दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग अगर इसे लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि तो आप किसी दूसरा कलर का ले लीजिए, ये भी अगर आपका आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो इसका हील तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा इतना थोड़ा सा है एंड बहुत ही मटेरियल काफ़ी अच्छा है, ये मैं भी बोल रही हूँ मटेरियल काफ़ी अच्छा है, आपके पैरों को थोड़ा इरिटेट नहीं करेगा, थोड़ा भी इरिटेट नहीं करेगा एंड बहुत ही लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, दोनों मेरे सैंडल्स बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इसीलिए मैंने दोनों को लिया है एंड मुझे अच्छा लगा। एंड इसमें रिटर्न पॉलिसी भी मतलब अवेलेबल है, रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट वैलिड पॉलिसी, तो अगर आपको साइज का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब दूसरे साइज का ले सकते हैं एंड अगर आपको पसंद नहीं है आप रिटर्न करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बस एक बार मुझे ये लगे कि ये थोड़ा कलर इसका थोड़ा डल है। नेक्स्ट वाला जो है वो इन लोगों ने ना उसका कवर दिया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस एक इसमें सेंड कर दिया है, ठीक है। एंड ये जो ग्लैडिएटर है ये है, ठीक है। मेरा पहले एक ऐसा वाला एक था ग्लैडिएटर जो मैं अपनी ड्रेस के साथ पहनती थी, बट वो खराब हो गया था तो इसीलिए मैंने इसको लेने का सोचा। एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड रेमसन इंडिया, ऐसा कुछ समथिंग है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसमें भी मेरा साइज 39 है, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरीके का है, आपके मतलब यहाँ पे एक जिप प्रोवाइड किया गया है एंड आपके पैरों को पूरा ये यहाँ तक मतलब एंकल तक कवर करके रखेगा एंड कंफर्टेबल है, आप अच्छे से वॉक वगैरह कर सकते हैं, एज इसमें भी कोई हील नहीं है तो मैंने कुछ भी हील्स वगैरह नहीं लिया है। एंड ये जिप भी बहुत ही अच्छा है एंड मेरा एक जिप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, नहीं अभी तो ठीक से सब कुछ काम कर रहा है, मुझे जिस दिन आया उसका जिप का थोड़ा इधर उधर हो रहा था तो उसको मैंने ठीक कर लिया है। एंड ओवरली कुछ इस तरीके का दिखता है एंड बिल्कुल नॉर्मल सा ही है, कुछ फैंसी नहीं है, आज मैंने बोला था कुछ मतलब फैंसी कुछ नहीं है, बस जैसे कि मैं डेली वेयर टाइप डे वेयर कर सकती हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी ओवरऑली अच्छा ही है, मतलब प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मुझे तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे लगे, फर्स्ट वो ब्लैक वाला मुझे सबसे अच्छा लगा, देन वो वाला एंड देन ये वाला, अच्छा तो लगा बट ये डेली वेयर नहीं कर सकते ना इसीलिए, तो ये अगर आप किसी भी वन पीस मतलब ड्रेस के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वरना जीन्स के साथ भी अगर वेयर कर सकते हैं, स्कर्ट आप पहनते हो या कैपरी वगैरह पहनते हो तो उसके साथ अच्छा लगेगा, तो आप इसको वो सबके साथ पेयर जरूर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा तीनों का ओवरऑल रिव्यू एंड एवरीथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एंड सोचा कि चलो इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग को भी हेल्पफुल थोड़ा रहेगा। और तीनों के प्राइसेस अंडर 400 है, वो जो ग्लैडिएटर वाला वो शायद 399 है एंड बाकी दोनों अंडर 400 वो भी अंडर 400 ही हैं,
मतलब एक 360 या समथिंग था, मैं ओरिजिनल प्राइस मेंशन कर दूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।